हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश पटेल। आज मैं स्टैंडर्ड फिफ्थ में आपको एक नया ड्राइंग सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए आप पूरा ध्यान मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ लगाइएगा और जिस तरह से मैं बताता हूँ उसी तरह से आपको काम करना है। तो आप सबसे पहले आपकी वर्कबुक लीजिए और वर्कबुक लेके आप पेज नंबर जो दिया गया है 22 नंबर का पेज ब्लू पेंटिंग, ये जो ब्लू पेंटिंग है तो आपको समझ में तो आ गया होगा थोड़ा थोड़ा सा कि किस तरह से इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है हमें। तो फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से इस ड्राइंग को करना है कंप्लीट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वाटर कलर लेंगे। वाटर कलर के अंदर हम शुरू से क्या करेंगे कि कोई भी इसमें तीन कलर लगा दिया गया है, रेड रेड येलो और ग्रीन। तो हम कोई भी इसके अलावा, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये तीनों के अलावा कुछ दूसरा कलर लेना है मुझे, तो मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाटर कलर लेंगे। वाटर कलर के अंदर ब्रश की मदद से हम कोई भी एक कलर लेंगे, उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कलर कम होना चाहिए, पानी ज़्यादा होना ताकि वो जो हम फूक से इसको कम्प्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, तो यहाँ एक ग्रीन कलर का डॉट लगाता हूँ और उसमें पानी ज़्यादा होगा थोड़ा सा, और इस तरह से मैंने ये डॉट लगाया और मैं क्या करूँगा इसको फूंक मार। तो जो ये कलर आपको दिया गया है मैंने फूंक लगाया, फिर भी ये कलर निकलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कलर ज़्यादा है पानी कम है। तो हमें क्या करना है कि पानी ज़्यादा ले रहे हैं और कलर कम लेना है, तो इस तरह से मैंने ये फिर से लगा दिया है और फिर मैं तो मैंने ये फूंक लगाई है, तो फूंक से हमने इसको स्प्रेड किया है, ठीक है। तो फिर हम दूसरी बार इसको कर रहे थे, कोई भी जगह हम और फिर हम जोर से फूंक लगाएंगे, तो देखा हमने, तो इस तरह से स्प्रेड हुआ कलर। इस तरह से हम इसको, इस कलर को हम दो तीन बार तीन चार बार लगाएंगे और तीन चार बार लगाने के बाद अलग दूसरा कलर लेंगे हम। तो दूसरा कलर मैंने यहाँ दूसरा कलर लिया है, तो ब्लू कलर मैंने लिया है यहाँ, देखो ये ब्लू कलर का डॉट मैंने लगाया और फिर मैं क्या करता हूँ उसको फूंक से, तो देखा इस तरह से। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, कलर ज़्यादा है और पानी कम है। पानी कम होने की वजह से ये कलर वहाँ का वहाँ बैठा रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, पानी ज़्यादा डालना है और कलर कम रखना है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो स्प्रेड होगा वो, देखो। फिर यहाँ मैं इस तरह से फिर से लगाता हूँ, तो देखा आपने इस तरह से स्प्रेड हुआ। तो इस तरह से इस ड्राइंग को हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें हम अलग अलग कलर लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें तीन कलर से ज़्यादा कलर लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, ये तीन कलर लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, ठीक है। रेड, इसमें रेड कलर है, ग्रीन कलर है और येलो कलर है, तीन कलर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें इसके ये जो कलर है वही रिपीट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि मैं इस कलर के सिवा मेरी पसंद के कलर में यूज़ करना चाहता हूँ तो भी आप कर सकते हो। और इस तरह से मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट किया हुआ है। तो देखो इस तरह से हमने ये स्प्रे ब्लू पेंटिंग मैंने कंप्लीट किया है। तो जिस तरह से मैंने ये मेथड आपको सिखाई है उसी तरह से आप काम करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% ऐसा ही आएगा और आपको पता, आपको सब अच्छा लगेगा कि ये ड्राइंग मैंने जिस तरह से उसमें बताया गया है उसी तरह से मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि जिस तरह से मैंने जो मेथड मैंने आपको सिखाई है उसी तरह से आप काम करोगे तो 100% आपका ड्राइंग अच्छा रहेगा। ओके, बाय।